हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल रेडवे स्टूडियो पे और एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, Amazon पे आपका अकाउंट रजिस्टर होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग का। मगर प्रोडक्ट लिस्टिंग करते समय जो प्रॉब्लम नए सेलर को फेस करनी पड़ती है वो है प्रोडक्ट आईडी। लिस्टिंग करते टाइम आपसे प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आईडी पूछी जाती है। ये प्रोडक्ट आईडी है क्या? दोस्तों, आपने कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट देखे होंगे जिनके ऊपर एक बारकोड लगा होता है और साथ में एक नंबर लिखा होता है। इस नंबर को प्रोडक्ट आईडी बोला जाता है, जिसे हम GTIN नंबर यानी ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर भी बोलते हैं। प्रोडक्ट आईडी अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे UPC नंबर, EAN नंबर या फिर ISBN नंबर। पर दोस्तों, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट Amazon पे सेल करना चाहते हो जिसकी प्रोडक्ट आईडी नहीं है, या फिर आप अपनी लोकल मार्केट से कोई नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट लेके सेल करना चाहते हो, या फिर कोई आप ऐसा प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो जिसे आपने खुद मैन्युफैक्चर किया हो और उसकी प्रोडक्ट आईडी आपके पास नहीं है, तो आपको Amazon पे GTIN एक्सेम्पशन के लिए अप्लाई करना होगा। और GTIN एक्सेम्पशन अप्लाई करने के बाद आप बिना प्रोडक्ट आईडी के भी अपना प्रोडक्ट Amazon पे सेल कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि हम GTIN एक्सेम्पशन के लिए कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। GTIN एक्सेम्पशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको कैटालॉग पे ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना होगा। पेज को स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है व्हाट्स ए GTIN, आपको लर्न मोर पे क्लिक करना होगा। पेज को दोबारा से स्क्रॉल डाउन करोगे, थोड़ा नीचे आओगे तो नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है रिक्वेस्ट अप्रूवल, आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करना है। दोस्तों, अभी यहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप अपना प्रोडक्ट जो है किस कैटेगरी में सेल करना चाहते हो। यहां से आपको आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ब्रांड और पब्लिशर्स, यहाँ पे दोस्तों आपको अपने प्रोडक्ट का ब्रांड नेम डालना है। अगर आप कोई जेनरिक प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो तो आपको यहाँ पे जेनरिक डालना है। मैं यहाँ पे अपने ब्रांड का ब्रांड नेम डाल रहा हूँ। उसके बाद चेक फॉर एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। चेक फॉर एलिजिबिलिटी पे क्लिक करने के बाद हमारा जो स्टेटस है वो ग्रीन टिक में शो कर रहा है कि आप एलिजिबल हो इस ब्रांड नेम के साथ। हमें कंटिन्यू टू सबमिट प्रूफ पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हमें अपना प्रोडक्ट का नेम डालना है। प्रोडक्ट का नेम आपको अपने ब्रांड नेम के साथ डालना है। दोस्तों, उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड करनी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट की इमेजेस आपको बिल्कुल नेचुरल डालनी है। आपको प्रोडक्ट की इमेजेस किसी सरफेस जैसे टेबल या फिर हाथ में पकड़ कर क्लिक करके ही अपलोड करनी है। कोई भी फोटोशॉप की हुई फोटो आपको यहाँ पे अपलोड नहीं करनी। इमेजेस अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो गई है। अगर आप देखना चाहते हो कि आपकी रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है तो उसके लिए आप दोबारा से कैटालॉग पे ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करोगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो यहाँ पे GTIN एक्सेम्पशन स्टेटस, अपना स्टेटस चेक करने के लिए आपको चेक योर स्टेटस हियर पे क्लिक करना है। दोस्तों, यहां से आप अपनी रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक कर सकते हो। दोस्तों, जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हो कि GTIN एक्सेम्पशन के लिए जो रिक्वेस्ट हमने सबमिट की थी उसकी अप्रूवल हमें मिल चुकी है और इस मेल में हमें बोला गया है कि आप 24 आवर्स का वेट कर लीजिए अपनी लिस्टिंग स्टार्ट करने के पहले, यानी 24 आवर्स के बाद हम अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, GTIN एक्सेम्पशन की अप्रूवल मिलने के बाद आप आसानी से अपने सेलर सेंट्रल पेज पे प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपने जिस कैटेगरी में अप्रूवल लिया है और जिस ब्रांड नेम के साथ अप्रूवल लिया है उसी कैटेगरी और उसी ब्रांड नेम के साथ ही प्रोडक्ट लिस्ट करना है। आपको अलग अलग प्रोडक्ट के लिए GTIN एक्सेम्पशन अप्लाई नहीं करना है। और अगर आप एक से ज्यादा कैटेगरी में सेल करना चाहते हो तो आपको कैटेगरी के लिए ही एक्सेम्पशन लेना है। उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो से आपको GTIN एक्सेम्पशन के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।